स्टार्ट करते हैं कम ऑन। सो आज से हम जो करना चाह रहे हैं वो है वेरिलॉग, ठीक है। और वेरिलॉग जो है ये क्या है, ये एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, ठीक है। सो इनको हम कहते हैं HDL, ठीक है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ठीक, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव में भी जो भी हो लैंग्वेज। सो HDLs क्या होती हैं? HDLs में आप जिस तरह किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, सी, सी प्लस प्लस, बाकी किसी भी लिखते हैं, आप इसमें भी कोड ही है, ठीक है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट एनिमल है, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें जो आप कोड लिख रहे हैं उससे सर्किट बनता है, ठीक है। सो ये हार्डवेयर को डिस्क्राइब कर रही है, जो भी मैं कोड लिखूंगा उससे सर्किट बनेगा। जब आप नॉर्मल सी, जावा या कोई ऐसी लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं तो एक प्रोसेसर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपका कोड चलेगा। तो जो कोड होता है वो खुद सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि उससे असेंबली बनती है और वो असेंबली वो प्रोसेसर चला सकता है और वो चला देता है। तो इवेंचुअली जो भी आप कोड लिखते हैं वो सॉफ्टवेयर ही रहता है, यानी कि उससे हार्डवेयर नहीं बनता बल्कि किसी बने बनाए हार्डवेयर के ऊपर वो कोड चलता है, ठीक। जब आप हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में कोड लिखेंगे तो उस कोड से हार्डवेयर खुद बनेगा, ठीक है, यानी कि आप खुद प्रोसेसर बना सकते हैं इसके जरिए, आप कोई और चीज़ बना सकते हैं, फिल्टर बना सकते हैं, एनी सर्किट दैट यू वांट, ठीक। तो इस लिहाज से ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस हमें शुरू से जहन में रखना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप फ्रीली उस तरह नहीं लिख सकते जिस तरह सॉफ्टवेयर में लिखते हैं। मतलब लिखने को तो आप लिख देंगे, आपने एक लूप लगा दिया ब्लड से 1000 का, तो उससे वो लगा सकते हैं इसमें भी, ठीक है, लेकिन वो जब लूप लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो 1000 times हार्डवेयर रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है जब आप उसको सिंथेसाइज करें और FPGA पे डालने की कोशिश करें तो वो फिट ही नहीं ना हो, क्योंकि इतना बड़ा सर्किट तो मैं नहीं बना सकता, ठीक है। तो आपने पहले एक स्टेप से गुजरना होता है जिसको हम कहते हैं हार्डवेयर डिज़ाइन। जब आप डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो जाता है फिर आप वेरिलॉग या किसी और लैंग्वेज में HDL में कोड लिखते हैं, ठीक है। और नॉर्मली मैं आपको कहूँगा कि ये चीज़ आप हमेशा एज अ रूल रखें कि आपका डिज़ाइन ऑन पेपर पहले बन चुका हो तो कोड उसके बाद स्टार्ट करें। नेवर स्टार्ट कोडिंग बिफोर डिज़ाइन इज कम्प्लीट, ठीक है। डिज़ाइन पहले कम्प्लीट होना चाहिए, कोडिंग बाद में होनी चाहिए, ठीक। ये प्रिंसिपल आप हमेशा अगर पल्ले बांध लेंगे ना तो आप ठीक कोड लिख सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट चलेंगे कि नहीं नहीं प्रोजेक्ट आ रहा है तो कोड कब लिखूंगा, तो मतलब वो और लिखना शुरू कर दें, देन यू विल एंड अप इन अ मेस, कि वो आपका कोड पहले चलेगा नहीं, फिर चलेगा तो फिर जब आप हार्डवेयर पे लेके जाएंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले डिज़ाइन बनाया हुआ और उसका कोड किया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका कोड चल जाएगा, ठीक है। और कुछ ना कुछ उसमें भी बग्स होंगे जो फिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। ज़्यादातर कॉमन लैंग्वेजेस जो हैं हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस, एक वेरिलॉग सब है और एक VHDL है, जो कि प्रॉबेबली शायद इक्वली कॉमन ही हो, क्योंकि दोनों मैंने देखा है कि यूज़ हो रही होती हैं अक्सर जगहों पर, ठीक है। किसी ने VHDL में कोड लिखा होता है, किसी ने वेरिलॉग में लिखा होता है। हम वेरिलॉग चूज़ कर रहे हैं, मेरे मे बी मेरी बायस हो क्योंकि मैंने पहले लैंग्वेज थी, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगती है, इजी टू अंडरस्टैंड लगती है, ठीक है। लेकिन आपने अगर वेरिलॉग सीख लिया तो VHDL सीखने में आपको मे बी एक आध हफ्ते में आप वो भी सीख सकते हैं अगर ठीक तरीके लगाएं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट हैं कि उसमें भी आपने एक सर्किट को लेकर कोड करना है, इसमें भी आपने सर्किट को लेकर कोड करना है, उसमें भी उसको टेस्ट करने के लिए कोई कोड लिखना है, इसमें भी आपको उसका टेस्ट करने के लिए कोड लिखना है। कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन उसका सिंटेक्स हो रहा है, इसका सिंटेक्स हो रहा है, वो जो सिंटेक्स में चेंजेस हैं वो लर्न करने में अमूमन हफ्ता एक लगा के आप उसको सीख सकते हैं। इसके अलावा भी लैंग्वेजेस हैं, सिस्टम सी, सिस्टम वेरिलॉग जो कि ये काम कर रही होती हैं, कि सी जो है वो सिस्टम सी है कि जो सी जिनको आती हो उनको वेरिलॉग ना सीखनी पड़े और वो उससे हार्डवेयर के करीब का कोड लिख लें जिससे हार्डवेयर जनरेट हो जाए, बट हम वेरिलॉग कवर कर रहे हूँ। ओके, सो हम इस लेक्चर में क्या कर रहे होंगे, हम पहले थोड़ा सा रिव्यू करेंगे जो लॉजिक डिज़ाइन के ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, और फिर हम कुछ डिज़ाइन एग्जांपल्स कर रहे होंगे, बेसिकली इंक्रीमेंटल लिखा हुआ वैसे हम डिक्रीमेंटल कर रहे होंगे और फाइफो कर रहे होंगे, और फिर हम उसके बाद वेरिलॉग पर जाएंगे, क्योंकि पहला चीज़ है कि हम थोड़ा सा रिव्यू करके ना इस माइंडसेट में आ जाएंगे हार्डवेयर
का डिज़ाइन कैसे करना है हमने, ठीक है। हमने अभी तक जो कोर्स में पीछे पढ़ा हुआ है, लॉजिक डिज़ाइन के कंपोनेंट्स हमने बना लिए, समझे एक टूल सेट तैयार हो गया, ठीक है। वो टूल सेट हम इधर रिव्यू कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये वाले लेक्चर उससे इंडिपेंडेंट भी हो जाए, कि आप अगर कोई इधर से स्टार्ट करना चाहे, सिर्फ उसको उसने कभी पहले लॉजिक डिज़ाइन पढ़ी थी तो वो रिव्यू से उसको आइडिया हो जाएगा क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और उसको लेकर के आगे वो वेरिलॉग में कोडिंग सीख सके। और वेरिलॉग में फिर हम आगे देखेंगे कि अच्छा मॉड्यूल्स क्या होते हैं, गेट मल्टीप्लेक्सर्स वगैरह कोड कैसे करते हैं, और इस किस्म की चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। सो वेरिलॉग में जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हम इसको कहते हैं, अक्सर एक टर्म यूज होती है आरटीएल डिज़ाइन, ठीक है, रजिस्टर ट्रांसफर लेवल को हम कहते हैं आरटीएल, ठीक है। बेसिकली हम जो वेगली जिस सेंस में रजिस्टर आरटीएल डिज़ाइन को यूज़ करते हैं ना, वो ये है कि हम बिल्कुल गेट्स लेवल पे जाके चीज़ों को डिज़ाइन नहीं कर रहे होंगे कि हर चीज़ गेट से मिलकर बनाएं, बल्कि हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लेक्सर्स अवेलेबल हैं, डी मल्टीप्लेक्सर्स अवेलेबल हैं, रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, रजिस्टर्स मैं अभी बताऊँगा कि मैं किसको कह रहा हूँ, और इसके अलावा आपके पास एडर मल्टीप्लायर अगर अवेलेबल हैं तो इन चीज़ों को जोड़ के हम सर्किट बना रहे होंगे। तो इस लेवल पर अगर मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ तो इसको हम कहते हैं आरटीएल लेवल डिज़ाइन। ज़्यादातर आपका जो डिज़ाइन वाला काम होता है वो इसी लेवल पे हो रहा होता है कि आप बिल्कुल गेट लेवल, गेट जहाँ पर चाहिए वहाँ पर गेट ज़रूर लगाएंगे, लेकिन आप कुछ कंपोनेंट्स बने बनाए अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एडर सबट्रैक्टर, रजिस्टर, इस किस्म के, ठीक है, और इनको जोड़ करके आप अपना डिज़ाइन बना रहे होंगे, ठीक है। सो जो हम अभी कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे होंगे, मे बी हो सकता है मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ मिस कर गया हूँ, लेकिन मोर और लेस वो यही होंगे कि आप गेट्स यूज़ कर रहे होंगे, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ कर रहे होंगे, रजिस्टर्स, मेमरीज, इनको भी हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लायर वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, फिर स्टेट मशीन्स भी हमने पढ़ी हुई हैं, और स्टेट मशीन्स भी हम अमूमन आरटीएल लेवल पे हम कोड कर सकते हैं कि एक स्टेट डायग्राम से डायरेक्टली हम देख लेंगे कैसे कोड किया जा सकता है। अच्छा, अभी मैंने एक टर्म यूज़ की FPGA, ठीक है, सो वो भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इट स्टैंड्स फॉर फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, ठीक है। सो FPGA क्या है, वो एक ऐसी आईसी, एक चिप है जिस पे आप एक सर्किट बर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज डिजाइंड इन अ वे कि जिसमें आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि गेट्स के कनेक्शंस किस तरह से होंगे, ठीक है। सो वो हम क्या करते हैं, फिर हम एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं, उसको किसी HDL में कोड करेंगे, और फिर जो भी FPGA का वेंडर होता है ना, उसके साथ टूल्स भी दिए होते हैं। जिस तरह अभी हम जो FPGA यूज़ कर रहे होंगे वो Xilinx के FPGA होंगे, ठीक है, हमारे लैब में जो बोर्ड पड़े हुए हैं वो Xilinx के। सो Xilinx से अपने साथ टूल दिया हुआ है जिसमें आप अगर वेरिलॉग कोड इनपुट दें तो वो आपको FPGA की फाइल जो कि उसके ऊपर बर्न की जा सकती है वो आउटपुट कर देगा, ठीक है। उस इस प्रोसेस को हम सिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, वो खुद ही करेगा, थोड़ी देर लगाएगा, और अगर आपका कोड ठीक है तो वो उससे बिट फाइल जनरेट कर देगा जो आप FPGA के ऊपर बन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो इधर से 2-3 लेक्चर ऑनवर्ड्स जब हम वेरिलॉग कोड लिख रहे होंगे तो मे बी मैं क्लास में एक डेमो सा कर लूँगा कि मैं FPGA लाया और उसके ऊपर वो बिट फाइल बर्न भी कर ली ताकि पूरे प्रोसेस से आप गुजर जाए। ये वाला काम बेसिकली आप लैब्स में भी कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि आपके पास इस कोर्स में टाइम कम है, यानी कि मिड्स आ रही हैं, और मिड्स के ऑनवर्ड मैं चाहूँगा कि आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें ताकि आपके पास कम से कम 6-7 हफ्ते उस प्रोजेक्ट पे वर्किंग करने के, 2-3 हफ्ते में आप डिज़ाइन करें और अगले जो 3-4 हफ्ते हैं उसमें उसको कोड करके अच्छी तरह टेस्ट करें, ठीक है। तो इसलिए इसको समझोगे डबल डोज चल रही है, क्लास में भी थोड़ी सी डोज चलेगी और लैब में आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लैब में आप दोबारा भी हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर हो, लेकिन आप मेनली मैं कोशिश करूंगा कि हम कम्प्लीटली कवर कर दें क्लास में भी, और लैब इंजीनियर जो है वो लैब में ये चीज़ फोकस करो। ओके, सो पहली हमारे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनका रिव्यू कर लें कि किन किन इन चीज़ों को हमने जोड़ के बनाने हैं। तो गेट्स, ये मेनली 4 गेट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। एक एंड गेट है, एंड गेट की मल्टीपल इनपुट्स होती हैं, एक आउटपुट होती है, और एंड गेट की आउटपुट सब जो हैं वो 0 या 1 इनपुट ले रहे हैं और 0 या 1 आउटपुट कर रहे हैं। एंड गेट की आउटपुट 1 कब होती है, जब सब के सब 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, सब के सब 1 हो तो आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज आउटपुट 0, एक भी इनपुट 0 हो गई तो आउटपुट 0 हो जाएगी।
और गेट क्या कर रहा होता है, ठीक है, बास का ये थोड़ा सा फ्लैटर सा बना है, वैसे नॉर्मली कर्वस का डिफरेंट भी होता है, लेकिन और गेट क्या कर रहा होता है, निशानी है कि यहां से कर्व्ड है ये, ठीक है। सो इसमें कोई एक भी इनपुट वन हो जाए तो आउटपुट वन हो जाती है, ये यानी मलंग किस्म का गेट है, जो भी मिल गया बस खुश है, ठीक है। तो ये एंड गेट इज अ फैट गेट, ये कहता है सब कुछ मेरा होना चाहिए, सियासतदान किस्म का समझिए। सो इवॉल्व वंस तो ये फिर खुश होके वन, ठीक है। सो और गेट जो है वो कहेगा अच्छा कुछ भी हो गया, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका, कुछ भी ना हो फिर बेचारा जीरो हो जाएगा। एक्सक्लूसिव और गेट क्या करता है, इसमें अगर एक्सक्लूसिवली एक इनपुट वन है तो आउटपुट वन होती है, अगर एक से ज्यादा इनपुट वन हो तो आउटपुट जीरो हो जाती है। नॉट गेट जो है वो हम इस तरह भी शो करते हैं, और बास का आती नहीं कि आगे सिंपल बबल डाल दें, ये जो सर्कल है इसको बबल में कई दफा कह रहा हूँ, तो ये सर्कल डाल दें तो ये भी नॉट गेट को रिप्रेजेंट। नॉट गेट सिंपल सा काम करता है कि अगर इनपुट जीरो आ रही है तो वन कर देता है, वन आ रही है तो जीरो कर देता है, तो फ्लिप कर देते हैं इनपुट। सो ये हमारे हो गए बेसिक गेट्स। दूसरा कंपोनेंट जो मैंने कहा था वो है रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर को अमूमन मैं एक रेक्टेंगल से शो करूँ, अगर स्क्वायर भी हुआ तो उसको रजिस्टर ही समझ लेना, उसको एक बिट का रजिस्टर होगा तो मैं स्क्वायर कह दूंगा, ठीक है, छोटा सा। अमूमन उसके साथ एक छोटा सा ये ट्राइंगल भी बनाई होगी जो कि ये शो कर रही है कि किसी क्लॉक पे चल रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज अ रजिस्टर, रजिस्टर इज अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, वो एक भी हो सकता है फ्लिप फ्लॉप, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर का लफज इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, बेसिकली फ्रॉम नाउ ऑन हो सकता है कि मैं फ्लिप फ्लॉप बहुत कम यूज कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं आपको रजिस्टर का लफज यूज कर रहा हूँ। सो रजिस्टर जो है ना ये हमारा स्टोरेज एलिमेंट है, ये इट कैन स्टोर अ सेट ऑफ बिट्स, ठीक है, और अगर एक बिट्स को स्टोर कर सकता है तो बेसिकली एक नंबर स्टोर कर सकता है, ठीक है। और वो नंबर जो है ना स्टोर इवेंचुअली चीज स्टोर हमेशा बाइनरी में होती है, ठीक है, जब आप हार्डवेयर डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हो सकता है उसको डेसिमल में देखना पसंद करेंगे, अच्छा क्या नंबर चल रहा है, बट हमारे बैक ऑफ माइंड होना चाहिए कि इट कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड टू बाइनरी, और जो असल में पीछे स्टोर हो रहा है वो बाइनरी में स्टोर है। सो ये हमारा एक जो रजिस्टर होता है उसकी कुछ इनपुट होती हैं और कुछ आउटपुट होती हैं, जितने बिट की इनपुट उतने बिट की आउटपुट। आउटपुट मींस के भाई जो इसमें इस वक्त सेव हुआ है वो क्या है, वो इस पिन पे आपको अवेलेबल है। इनपुट मींस कि जो हम इसको नेक्स्ट साइकिल में इसके अंदर सेव करवाना चाह रहे हैं वो हम इसको इनपुट पे देते हैं। अच्छा ये मैंने सिंटेक्स यूज किया हुआ है एन कॉलन जीरो और स्क्वायर ब्रैकेट यूज की, इसको हम पढ़ेंगे एन डाउन टू जीरो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मैं 3 लिख दूं तो ये होगा 3 डाउन टू 0, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक बिट नहीं है, ये असल में 4 बिट्स हैं, 0 1 2 और 3, तो दिस इज अ बस, ठीक है, क्योंकि पूरी चार चार लाइनें लगाने से हमारा, अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं सो ये थोड़ा मैसी हो जाएगा, ठीक है, फुटबॉल वाला मैसी नहीं, ठीक है, मैसी मीन्स कि ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगी हमारी डायग्राम, क्योंकि हमने बहुत सारे रजिस्टर और उनको मिला के बनाना है, तो हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग जो है ना वो सुकून में हो और बहुत सारे गुंजल सॉल्ना में करने पड़े। तो व्हाट वी डू इज कि हम एरो तो सिंगल एक ही लगा रहे हैं बट उसके ऊपर हमने लिख दिया कि इतने डाउन टू जीरो, इस तरह की कन्वेंशन भी यूज कर लेंगे। बास का हम इस किस्म की कन्वेंशन भी यूज कर लेंगे कि छोटा सा टिक लगा के बता दिया कि 32 बिट का है तो ये 32 बिट, सो वो 32 लाइंस लगाने के बजाय मुझे सिंगल एक लाइन मैंने लगा दी, ठीक है। सो उससे जरा दिमाग क्लियर रहेगा और हम डिज़ाइन कर सकेंगे और मेन जो फोकस होगा उस पर फोकस रह सकेंगे, बजाय ये कि हम तारों को ही डिकोड करते रहे, ठीक। सो फॉर एग्जांपल इधर जो हमारा लेट्स है कि ये 32 बिट्स हैं, अगर ये 32 बिट्स का रजिस्टर होता यानी कि ये एक इंटीजर स्टोर कर सकता है, इन अदर वर्ड्स जो आप सी में एक इंटीजर रखते हैं वो 32 बिट का होता, तो इसका मतलब होगा कि इवेंचुअली इसके अंदर 32 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए, ठीक है, और इसकी और हर एक की जो इनपुट है ना, मे बी अगर ये डी फ्लिप फ्लॉप होते हैं तो ये एक एक बिट हर एक डी फ्लिप फ्लॉप से टाइड है और एक एक बिट और उसकी आउटपुट से टाइड, ठीक, तो ये आप 32 बिट को स्टोर करने की सलाहियत रखता है, ठीक। सो जब भी मैं इसको किसी भी राइजिंग या जो क्लॉक पे, राइजिंग पे भी बांध सकती है, लॉजिक फॉलिंग पे भी बांध सकती है, लेकिन मैं राइजिंग अज्यूम कर रहा हूँ थ्रू आउट दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स, ठीक है। सो हर राइजिंग या जो क्लॉक के ऊपर जो भी इनपुट आ रही है वो इसके अंदर सेव हो जाएगी और वो ही आउटपुट पे उस क्लॉक एज के बाद आ जाएगी, ठीक। तो ये हमारा चल, तो इसको अब मैं फ्लिप फ्लॉप्स के बजाय कह रहा हूँ रजिस्टर्स,
और मैं रजिस्टर की बिट बता दूं ना कि अच्छा 32 बिट क्या, तो यू शुड अज्यूम कि हाँ पीछे 32 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए, ठीक है। अगर मैं कहूँगा 8 बिट क्या, तो आप समझें 8 फ्लिप फ्लॉप लगे, ठीक। सो अब हम वो उससे बड़ी लेवल की एब्स्ट्रैक्शन पे चल रहे हैं, अब हम फ्लिप फ्लॉप लेवल से निकल आए हैं और अब हम रजिस्टर लेवल पर सोचना शुरू करते हैं, ठीक। ओके, सो नॉर्मली ये कैसे काम करता है, अमूमन इस क्लॉक और रीसेट इसमें आ रहा होता है, ठीक है। तो क्लॉक तो हमने यूज किया हुआ है, रीसेट क्या काम करता है, अमूमन हमारा जो पूरा सर्किट है ना उसके जितने भी रजिस्टर्स हैं हम अमूमन उन सब के साथ एक रीसेट भी टाई किया होता है। रीसेट का काम ये होता है कि एक रीसेट को एक दफा बटन दबाएं तो सर्किट एक नॉन स्टेट में आ जाए, ठीक है। बजाय ये कि वन तो शुरू में कुछ भी पड़ा हो सकता है, कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हो सकती है, तो आप वो गार्बेज वैल्यू को खत्म करने करके उसके अंदर उसको चाहते हैं कि कोई नॉन स्टेट में आ जाए। ज्यादातर को हम जीरो कर देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है जीरो करें, हो सकता है कि किसी रजिस्टर को हम कोई नंबर देना चाहें कि यार ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए जब रीसेट हो, तो वो जो भी नंबर है वो हम बाइनरी में रख के रीसेट पे उसको दे सकते हैं। तो यहां तक चीज क्लियर होगी। सो रीसेट का ये काम, जरूरी नहीं है कि सब रजिस्टर्स को रीसेट किया जाए। अगर कुछ ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो किसी फीड फॉरवर्ड पाथ में आ रहे होते हैं और आपको पता होता है कि इसमें जो भी गंद है ना वो निकल जाना है जब ये सर्किट ऑन होगा, चलना शुरू होगा, तो बाज का हम बगैर रीसेट के भी रजिस्टर्स बना लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर रजिस्टर का रीसेट हो, लेकिन इस जो 3-4 लेक्चर्स में अभी जो हम डिजाइन कर रहे होंगे हम उसमें जनरली अज्यूम कर रहे होंगे कि हमारा रीसेट है और हम उसको इनिशियली सब रजिस्टर्स को नॉन स्टेट में लाना चाहते हैं। ओके, सो बेसिक वर्किंग क्या है, जब हम वैसे एक छोटी सी चीज ये है कि जब मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं क्लॉक और रीसेट शो ना कर रहा हूं, क्योंकि अगर रजिस्टर लगा हुआ है तो इट इज अज्यूम कि यह किसी क्लॉक में चलेगा और फॉर द टाइम बींग हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसका रीसेट भी होगा, ठीक है। सो वो फिर क्योंकि ये पहले से पता है कि हर रजिस्टर में होना है, तो हम उसको सर्किट पे डायग्राम पे डाल के मजीद वायर्स नहीं बढ़ाएंगे अपनी, ताकि हमारा सर्किट जरा क्लीन सरे। अच्छा, सो बेसिक वर्किंग ये है कि आपका लेट्स से कि टाइम एक्सेस जो है वो इससे इस तरफ बढ़ा है, टाइम जीरो से आप उस तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स से कि आपके इसके पिछले साइकिल में इसके अंदर जो भी स्टोर था हमें नहीं पता, तो हमने उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया कि वी डोंट केयर कि क्या स्टोर था, लेकिन इस साइकिल में इनपुट आई है 3, ठीक है। सो मैंने इसको इस तरह 3 करके लिख दिया है, डेसिमल में लिखा है, बट एक्चुअली लेट्स अज्यूम कि ये 8 बिट का नंबर था, ठीक है, ओवरऑल। सो इसका असल मतलब क्या है कि वो ये 8 तारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और अगर 3 लिखा हुआ तो इसका मतलब इस पर 1-1 आ रहा है और बाकी 6 पे 0 आ रहा है। लेकिन अब अपनी आसानी के लिए उसको कह रहे हैं कि यार हमें डेसिमल में देखना आसान है, बजाय ये कि मैं इधर 6-8 तारों का एक क्लटर पूरा बनाऊं या 32 बिट है तो 32 का बनाऊं, तो मैं उसके बजाय ये 3 लिख दिया है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई ये पीछे जितनी भी 8 बिट थी उनमें असल में 1-1 पड़ा हुआ है, ठीक है। 4 लिखा हुआ था 1-0-0 पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमें नंबर सिस्टम से हम कंफर्टेबल हैं, तो वी कैन ऑलवेज, अगर हमें जरूरत पड़े कि हाँ पीछे निकालना हो कि बाइनरी में क्या पड़ा होगा, तो वी कैन ऑलवेज डू दैट, ठीक, तो हमें कोई मसला नहीं। तो अगर क्लॉक का राइजिंग एज आया तो होगा क्या, इस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे जो भी इनपुट आ रही है वो इस रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। सो इसका मतलब आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। लेट से अगले साइकिल में इनपुट आई 4, सो अगला राइजिंग एज ऑफ क्लॉक जब आया तो इस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे क्या सेव हो जाना चाहिए इसके अंदर, 4, ठीक है, क्योंकि 3 पहले से सेव था, तो अब 4 इनपुट पे आया। तो हर राइजिंग एज ऑफ क्लॉक के ऊपर ये रजिस्टर काम करता है, उस वक्त ये जागता है, देखता है भाई क्या इनपुट पे आ रहा है, ओके जी सेव कर लो, ठीक है। और वो फिर जब सेव कर लिया तो वो आउटपुट पे आ गया, ठीक। अगले साइकिल पे लेट से 5 इनपुट आई है, तो अगले राइजिंग एज ऑफ क्लॉक में क्या सेव हो जाएगा, 5, ठीक है। सो यू गॉट द आइडिया कि ये किस तरह काम कर रहा है, एंड सो ऑन। 6 आया तो 6 हो जाएगा, मैंने अभी तरतीब से लिखे हैं, बट इट कैन बी एनी नंबर, ठीक है, कोई इसकी कोई तरतीब की जरूरत नहीं है, जिस जो भी नंबर इनपुट पे आ रहा होगा वो सेव हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अमूमन हम रजिस्टर्स को ना, एक तो ये अगर इस तरह का रजिस्टर हो तो सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप से बन जाएगा, ठीक है, और जो हमने पढ़े हुए, लेकिन हम अक्सर चाहते हैं कि रजिस्टर्स के साथ एक इनेबल का सिग्नल भी हो, ठीक है। इनेबल से हम क्या अज्यूम करते हैं, इनेबल से हम ये अज्यूम करते हैं कि काम तो ये हमेशा राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे कर रहा था, ठीक है, अभी जो हम सोच रहे हैं। तो हम अगर इनेबल भी साथ आ रहा ना, तो इसका मतलब है कि ये जो इसने सेव करना था इनपुट को,
ये सिर्फ तब ही करेगा अगर राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे इनेबल भी वन हो। अगर इनेबल वन ना हो तो जो पुरानी वैल्यू थी उसको स्टोर किए रखेगा। यहां तक चीज समझ आ गई कि आप इसको तब ही इनेबल करेंगे जिस वक्त आपकी इनपुट अगर इनेबल वन हुआ, राइजिंग एज ऑफ क्लॉक भी आया और उस पर इनेबल भी वन हुआ, तब आप स्टोर करेंगे। अदरवाइज आप जो पुरानी वैल्यू थी वही पुरानी वैल्यू स्टोर रहने देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर मैं इनेबल भी ऐड कर लूं और मैं कहूं कि यार ये वाला जो राइजिंग एज ऑफ क्लॉक है ना, इनेबल इस पर वन हुआ था, ठीक है। अगर इस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पर इनेबल वन हुआ था तो इससे पीछे जो भी इनपुट आ रही थी हमने उसको सेव नहीं किया। अगर सेव नहीं किया तो इसका मतलब है कि फिर जो भी पुरानी एक्स चल रही थी वही रहेगी इनपुट, ठीक है। और जब ये राइजिंग एज ऑफ क्लॉक आया इस वक्त 5 इनपुट आ रही थी, आगे 5 आ गया, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही। तो ये हमारी टाइमिंग डायग्राम है। इस किस्म की टाइमिंग डायग्राम हम बनाकर अगर उसमें कोई बस होगी तो उसको हम इस तरीके से शो कर देंगे, उस पर नंबर लिख के, ठीक है। नंबर हम, अब हमारी मर्जी है कि हम बाइनरी में लिखें, हेक्साडेसिमल में लिखें, डेसिमल में लिखें या ऑक्टल में लिखें, जिसमें भी हम कंफर्टेबल हैं, ठीक है। अभी क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा था सिंपल सा, तो मैंने डेसिमल में लिख दिया, लेकिन हो सकता है कि बास केसेस में हम हेक्स में लिखने में कंफर्टेबल हों या बाइनरी में लिखने में कंफर्टेबल हों। और इस तरह से हम सिंगल बिट का सिग्नल होगा तो वो 10 हो रहा होगा, जिस तरह इनेबल इज जस्ट 1 बिट, या 1 होगी या 0 होगी। ये जो है ये ज्यादा बिट्स हैं तो इसको फिर हम इस तरीके से शो कर रहे होंगे कि ये एक नंबर है जो कि हर क्लॉक एज पे ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। सो रजिस्टर की चीज समझ आ गई। सो बेसिकली जो हमने फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े थे उसी को हम यूज करके रजिस्टर्स बना लेते हैं, और अब हम डिजाइन करते हुए इस तरह से रजिस्टर्स यूज कर रहे होंगे। अगर मुझे चाहिए एक नंबर को स्टोर करना, मैं कहूंगा, मैं सोचूंगा कितने बिट का नंबर है, उतने बिट का रजिस्टर लगा दूंगा। अगर मुझे वो हर साइकिल में उसकी इनपुट स्टोर करनी है, मैं सिंपल रजिस्टर लगा दूंगा। अगर मुझे उसको चाहता हूँ कि नहीं, कभी कोई और सिग्नल आए तो तभी मैं स्टोर करूं, तो मैं उसको इनेबल वाला रजिस्टर लगा दूंगा और उसको जो भी इनपुट थी उसको इनेबल से टाई कर दूंगा कि भाई जब वो इनेबल आएगा तो मैंने स्टोर करना है, नहीं तो नहीं स्टोर करना। इसके बाद हमने दूसरा मजीद कंपोनेंट पढ़ा था, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। सो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? मल्टीप्लेक्सर ये करता है कि उसकी मल्टीपल इनपुट्स होती हैं जो ज्यादा बिट की भी हो सकती है, ठीक है। तो जो जितने बिट की ये इनपुट्स हर एक बराबर की होगी, अगर सारी 32 बिट की हैं तो ये आउटपुट भी 32 बिट की होगी, ये सारी 32 बिट की होगी, ठीक है। ये अगर एक एक बिट की हैं तो ये एक एक बिट की होगी और आउटपुट भी एक बिट की होगी। अच्छा, और ये सिलेक्ट लाइन होती है, ठीक है। सिलेक्ट लाइन की बेस पर आप क्या कर रहे होते हैं, अगर ये 0 आ रही है तो आप 0 नंबर वाली लाइन को आउटपुट से टाई कर देंगे, अगर ये 1 आ रही है तो 1 नंबर वाली लाइन को आउटपुट से टाई कर देंगे, अगर 2 आ रही है तो 2 नंबर, एंड सो ऑन, ठीक है। सो सिलेक्ट लाइन खुद कितनी होती है ये डिपेंड करता है कि इनपुट्स कितनी है। अगर मेरे पास 4 इनपुट्स हैं तो मेरे पास, इसका मतलब है 0 नंबर वाली लाइन है, 1 नंबर वाली लाइन है, 2 नंबर वाली लाइन है और 3 नंबर वाली लाइन है। सो 3 जो है वो 2 बिट्स में आ जाता है, सो इसका मतलब है 2 बिट्स की सिलेक्ट लाइन होगी। अगर मेरे पास 2 to 1 होता तो एक ही बिट काफी थी कि वो 0 होगी तो मैं 0 को टाई कर दूंगा, 1 होगी तो 1। अगर ये 8 होती तो मैं 3 बिट्स मुझे चाहिए होती, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ठीक है। सो 7 जो है 1, 1, 1 वो 3 बिट्स में आ सकता है, तो ओवरऑल आपको 3 बिट्स चाहिए होंगी, जो जब 0, 0, 0 होंगी तो ये कनेक्टेड होगा, 0, 0, 1 होंगी तो अगला कनेक्टेड होगा, 1, 1 होंगी तो आखिरी कनेक्टेड होगा, ठीक है। अगर 4 से बढ़ जाती है, यानी कि 5 भी होती तब भी हमें 3 ही चाहिए होती, क्योंकि 5 जो है वो उसके लिए 0, 1, 2, 3, 4 आपकी आपका आखिरी नंबर लाइन नंबर था, तो 4 जो है वो 100 होता है जो 3 बिट में आता है, ठीक है। तो 4 से बड़ी हो गई तो आपको 3 बिट चाहिए, अप टू 8 लाइंस हुई, 9 लाइंस हुई तो फिर आपको 4 बिट चाहिए होंगे, क्योंकि आपका 8 जो है वो 4 बिट्स में आता है, ठीक। सो ये चीज समझ आ गई। सो ये मल्टीप्लेक्सर काम करता है, इसके ऑपोजिट काम करता है डी मल्टीप्लेक्सर। और डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, उसमें एक इनपुट होती है, मल्टीपल आउटपुट्स होती है, ठीक है। और अगेन सिलेक्ट लाइन की बेस पर, उसी तरह सिलेक्ट लाइन है, सिलेक्ट लाइन 0 ही तो ये 0 से टाई हो जाएगा, 1 हुई तो ये 1 से टाई हो जाएगा, 2 हुई तो ये 2 से टाई हो जाएगा, एंड सो ऑन, जितनी भी इनपुट हैं। अगर 7 हुई तो ये 7 से टाई हो जाएगा, अगर ये 8 आउटपुट्स वाले। अच्छा, ये तो लेट से 0 ही तो ये तो 0 से टाई हो जाएगा, बाकी सारी आउटपुट्स क्या होंगी, वो 0 हो जाएंगी, ठीक है। हार्डवेयर में हम ये नहीं कहते कि कुछ नहीं होंगी, ठीक है। हार्डवेयर में देयर इज ऑलवेज समथिंग ऑन अ वायर, सो वो जो समथिंग है वो हमें डिफाइन करना होता है। इस केस में अगर इसको इससे टाई किया हुआ तो बाकी सब 0 होंगी, अगर इसको दूसरी नंबर से टाई किया हुआ तो बाकी सब 0 होंगे, ठीक है। सो ये डी मल्टीप्लेक्सर काम कर रहा है।
इसके अलावा जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े वो, चलो अभी तक जो हमने पढ़े ना इनको जोड़ के हम जरा पहले डिजाइन एग्जांपल कर लें, ठीक है। तो अभी जो शुरू के तीन चार लेक्चर्स में ना हम साथ साथ इनमें डिजाइन एग्जांपल्स भी कर रहे होंगे, ताकि हम एक उस हार्डवेयर फ्रेम ऑफ माइंड में आ सके कि हम सोच सकें कि यार इन कंपोनेंट्स को जोड़ करके सर्किट कैसे बन सकता है, ठीक है। तो ये पहली एग्जांपल, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप खुद से डिजाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर वीडियो पे सीख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर दें, ठीक है। जब कोई डिजाइन क्वेश्चन है सोचे, जब तक सलूशन नहीं आता ना तब तक उसको पॉज कर दें, वो फिर सलूशन पे देखें कि क्या सलूशन था, आप भी उस पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ठीक। सो पहली एग्जांपल है रजिस्टर्स फाइल की। रजिस्टर्स फाइल क्या होती है, जितने भी आपके प्रोसेसर्स हैं जो आजकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, शुरू के प्रोसेसर्स में नहीं होती थी, लेकिन जो आज मोस्टली आजकल के प्रोसेसर्स हैं जो कि आपके मोबाइल फोन में होंगे या आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप या दूसरे कंप्यूटर में होंगे, उनमें एक इनहेरेंट पार्ट होता है रजिस्टर्ड फाइल्स, ठीक है। तो प्रोसेसर का एक पार्ट होता है कि वो अपने पास एक सेट ऑफ रजिस्टर्स में कुछ वैल्यू सेव करके रख सकता है, ठीक है। ये आप समझो कि जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है ना प्रोसेसर की, वो होती है रजिस्टर फाइल, ठीक है। उसके बाद एक और चीज होती है कैश, उसके बाद रैम, और तो ये उसके क्लोजेस्ट मेमोरी होती है। होता क्या, रजिस्टर फाइल करती क्या है कि ये एक सेट ऑफ रजिस्टर्स है जिसके अंदर, लेट से मैं बहुत सिंपल सा केस लेता हूँ कि लेट से कि ये 8 रजिस्टर्स है, ठीक है। वैसे ये मैंने शायद 8 से ज्यादा बना दी, लेकिन लेट से कि ये 8 रजिस्टर्स है, ठीक। और हर एक रजिस्टर जो है ना वो लेट से कि एक इंटीजर को सेव कर सकता है। सो इंटीजर मींस कि वो 32 बिट का, तो ये 32 बिट के 8 रजिस्टर है। तो रेज फाइल क्या करती है, रेज फाइल ये करती है कि इसकी, एक तो हम चाहते हैं कि हम इसके किसी भी रजिस्टर को रीड कर सकें। सो रीड करने का मतलब है कि मैं किसी एक रजिस्टर को रीड कर सकूँ। किसी एक का मतलब है कि मैं इधर बताऊंगा कौन सा रजिस्टर नंबर, इसको हम कहते हैं एड्रेस, ठीक है, कि ये 0 नंबर वाला रजिस्टर है, ये 1 है, ये 2 है, ये अप टू जो भी आपका 7 तक चला जाएगा अगर ये 8 है। सो मैंने कहा कि लेट से मैं 4 नंबर रजिस्टर रीड करना चाहता हूँ, तो मैं इधर 4 इनपुट करूंगा तो 0, 1, 2, 3, 4 नंबर वाला रजिस्टर आउटपुट पे आना चाहिए। अगर मैं कहूंगा मैंने 7 नंबर वाला रजिस्टर करना है तो 7 नंबर वाला रजिस्टर आउटपुट पे आना चाहिए। तो मैं इधर रजिस्टर नंबर बताता हूँ जिसको हम एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। सो रजिस्टर नंबर इनपुट आया और उसके हिसाब से आपने आउटपुट कर, ये करने के लिए क्या सर्किट बन सकता है कि अगर मैं रजिस्टर नंबर इनपुट करूं और वो वाला रजिस्टर आगे करूं। डी मल्टीप्लेक्सर होता है जिसकी एक इनपुट होती है और मल्टीपल आउटपुट्स होती है, ठीक है। इसकी बहुत सी इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, इनमें से अगर ये 0 आए तो ये फॉरवर्ड होना है, 1 आए तो मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो ये पहला शुरू शुरू में आपको मतलब हार्डवेयर फ्रेम ऑफ माइंड में आने में थोड़ा से डिले होगा, लेकिन मतलब आप उसको फिर कैचअप करना। असल जो आपने सीखना है वो ये सीखना है कि आपको एक सिचुएशन गिवन हो तो वहां पर आप फिगर आउट कर सकें कि यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लग सकता है, यहाँ पर कौन से कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से काम अचीव हो सकता है। वो अगर आप कर सकते हैं तो ये आप हार्डवेयर डिजाइनर, अच्छा हार्डवेयर डिजाइनर ये कर लेता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को जोड़ के अपना कर सकते। तो इस केस में हमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, आपने क्या करना था कि 0 आ रहा तो इसको कनेक्ट करना है, 1 आ रहा तो इसको कनेक्ट करना है, 2 आ रहा तो इसको कनेक्ट करना है। और अभी मैंने 2 मिनट पहले ये बताया कि अगर सिलेक्ट लाइन की बेस पर आपने कनेक्ट करना हो तो ये काम मल्टीप्लेक्सर कर देता है। तो यहां पर तो सीधा सीधा मल्टीप्लेक्सर से काम हो गया कि अगर 0 आ रहा है तो ये कनेक्ट हो गया, 1 आ रहा है तो ये कनेक्ट हो गया, एंड सो ऑन, ठीक। ओके, सो मैंने वैसे डाटा को के डाउन टू 0 लिखा हुआ है, एड्रेस को एंड डाउन टू 0 लिखा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट होंगे। इस केस में मैंने आपको कहा कि 32 बिट के रजिस्टर हैं और टोटल 8 रजिस्टर हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि एन क्या होगा और के क्या होगा, के क्या होगा पहले बताएं। मैंने आपको बताया था कि 32 बिट के रजिस्टर हैं, 8 रजिस्टर हैं, ठीक है। सो इस केस में के क्या है, 31, ठीक है, नॉट 32, ठीक। सो 32 बिट के रजिस्टर हैं तो ये क्योंकि 0 से काउंटिंग कर रहे हैं तो 31 डाउन टू 0, ठीक है, 31 डाउन टू 0, इससे मतलब आधी हो जाएगी डाउन टू 0 वाली कन्वेंशन, ठीक। और एड्रेस कितने बिट का होगा,
आठ रजिस्टर हैं, कितने बिट का एड्रेस? नहीं, सात का नहीं होगा, सेवन का नहीं होगा। तो मैं सिलेक्ट लाइन ही पूछ रहा हूँ। टू डाउन टू जीरो होगा, तीन बिट की सिलेक्ट लाइन होगी, क्योंकि ये टोटल आठ है, आठ है, तो इसका मतलब है जीरो से लेकर ये सेवन तक रजिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो इधर इधर क्या आ सकता है, नंबर आ सकता है जीरो से लेकर सेवन तक। सो सेवन इज वन वन वन, तो इसके लिए तीन बिट्स काफी है, जीरो 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 से लेकर वन 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 तक। सो ये तीन बिट होनी चाहिए, और अगर मैंने इधर लिखना है उसको तो मैं लिखूंगा टू डाउन टू जीरो, ठीक है, जीरो वन टू, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने इधर ब्रेक लेकर ये कर लिया, ताकि आप जरा नई नोटेशन से कंफर्टेबल हो। ये नोटेशन क्यों यूज कर रहा हूँ, वन से क्यों नहीं काउंटिंग कर रहा, क्योंकि जब हम वेरिलॉग कोडिंग पढ़ेंगे तो उधर ये नोटेशन यूज हो रही होती है, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया कि मैं किसी भी रजिस्टर से रीड करना चाह रहा हूँ। दूसरा काम मैं ये करना चाह रहा था कि मैं रजिस्टर के ऊपर राइट करवाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैंने राइट करना है तो मैं बताऊंगा कि फ्लान नंबर वाले रजिस्टर पर ये वाला डाटा लिखवा दो। तो मुझे सिर्फ फिर एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे एक डाटा एज एन इनपुट भी चाहिए, ठीक है, कि भाई ये वाला डाटा लिखवाना है। लेकिन सिर्फ डाटा भी काफी नहीं होगा, मुझे उसके अलावा एक और पोर्ट भी चाहिए होगी राइट की, जो एक बिट की हो, जो कि बता सके कि भाई लिखवाना भी है या नहीं। क्योंकि हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर में अगर एड्रेस और डाटा इन है और मैं कभी नहीं लिखवाना चाहता, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि मैं कोई ना कोई वैल्यू तो इधर आ रही होगी, ठीक है, इधर लेट से मैं इधर भी जीरो दे दूं, इधर भी जीरो दे दूं। तो अगर मैंने राइट का सिग्नल ना रखा होता तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता कि जीरो वाले रजिस्टर पर जीरो लिखवा दो, लेकिन मैं तो कुछ नहीं लिखवाना चाह रहा। तो हार्डवेयर में फिर आपको उसको भी कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई सिग्नल चाहिए, तो वो हमने रख दिया राइट का सिग्नल। सो अब हम करना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी भी राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पर राइट वन आया तो तब ही हम राइट करवाना चाहते हैं, अगर ना आया तो हम राइट नहीं कराना चाहते। जब ये वन आया तो उस वक्त जोन सा एड्रेस आया उस नंबर वाले रजिस्टर पे हमने जाना है, और जोन सा हमने डाटा भेजा है वो हम उस पर लिखवाना चाहते। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई, कि हम ये चाह रहे हैं कि जोन सा एड्रेस आ रहा है उस नंबर वाले रजिस्टर पर ये वाला डाटा लिखवाएं, जस्ट अगर राइट आया, अगर राइट नहीं आ रहा, राइट नहीं आ रहे का मतलब है राइट जीरो आना, ठीक है, नहीं आ रहा, मैं बोलूँ हार्डवेयर में नहीं आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं आने को भी डिफाइन करना है उसका क्या मतलब। सो अगर राइट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं लिखवाना, राइट वन आ रहा है तो लिखवाना है, क्या लिखवाना है, ये डाटा लिखवाना है, कहाँ लिखवाना है, इस एड्रेस पर लिखवाना है, ठीक। ओके, सो क्या इधर कर सकते हैं, लॉजिक कैसे बनाए, आप जरा सोचे ना। छोटा सा काम है वैसे, लेकिन मतलब पहली पहली दफा कर रहे हैं तो प्रॉबेबली आप लोगों के लिए ये जितने भी रजिस्टर्स हैं, चलो मैं आपको थोड़े से हिंट्स दे देता हूँ, ठीक है, लेट से इस तरह बहुत सारे रजिस्टर्स थे ये, ठीक है, आठ रजिस्टर्स, हर रजिस्टर का मैंने आपको बताया था कि एक डाटा इन होता है, ठीक है, और डाटा आउट होता है, तो हर रजिस्टर का अपना अपना डाटा इन है, ठीक है, और डाटा आउट को तो हमने ऑलरेडी टाई किया हुआ है ना आगे मल्टीप्लेक्सर से। इसके अलावा हम चाहें तो रजिस्टर का इनेबल रख सकते हैं, चाहें तो ना रखें। पहली चीज ये है कि क्या इस केस में हम चाहते हैं कि रजिस्टर्स का इनेबल हो या नहीं, हाँ, अगर हम इनेबल नहीं रखेंगे इसका मतलब है कि जो भी इनपुट पे आ रहा होगा वो हर साइकिल पे लिखा जाएगा, ठीक है। सो हम तो चाहते हैं कि नहीं, अगर कोई राइट का सिग्नल आए तो सिर्फ उस वाले रजिस्टर पर जाकर लिखा जाए, बाकी किसी पर ना लिखा जाए, ठीक। सो इसका मतलब है इन सब रजिस्टर्स का एक एक इनेबल भी है, और ये 32-32 बिट का डाटा भी इन पर इनपुट पर जा रहा है, क्योंकि हमने 32 बिट अज्यूम किया हुआ, तो 32 बिट का डाटा भी इनपुट पर आ रहा है। ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है, कि ये 32 बिट का हर एक पर डाटा इन आ रहा है, जो जो भी इस पर डाटा लिखवाना। अब क्वेश्चन ये है कि जो बाहर से डाटा आ रहा है उसके साथ क्या करूं, और बाहर से जो राइट आ रहा है उसके साथ क्या करूं, कि
और एड्रेस के साथ क्या करूंगी, प्रॉपरली सिर्फ उस जगह पर जाकर राइट हो जिधर हम लिखवाना चाह रहे हैं। तो यहां पर मैं कहता हूँ एक मेरे पास आ रहा है डाटा इन बाहर से, ठीक है, ये डाटा इन नहीं है, ये मतलब 32 बिट का उसका डाटा इन था, तो मैं डाटा इन क्योंकि इसको कहा हुआ है, तो ये 31 डाउन टू 0 है। फिर मेरा इसके अलावा एक राइट का सिग्नल आ रहा है, बाज का था हम इसको राइट इनेबल कहते हैं, बाज का राइट कहते हैं, और एक एड्रेस भी है, ठीक है, जो कि इस केस में हमने कहा हुआ है कि 2 डाउन टू 0 गेट नहीं, मैं कह रहा हूँ जो भी सर्किट बनेगा, ठीक है, वो गेट है तो गेट, अगर वो कोई एडर है तो एडर, कोई मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है, एनीथिंग, जो भी चीज़ है, या मल्टीपल लोग चीज़ों से मिलकर बने, काम मैंने आपको बता दिया करना क्या है। डेटा इन पे तो बाहर से डेटा आ रहा है, मैंने हो सकता है 100 लिखवाना हो, ठीक है, तो डेटा इन पे तो 100 आ रहा है, जो जिस जगह पर लिखवाना है वो तो एड्रेस में आ रहा है, ठीक है। लेट से मैं कह रहा हूँ यार 2-1 नंबर वाले रजिस्टर पे 100 लिखवा दो, तो यहां से आएगा 1, इसका मतलब है इस रजिस्टर पर लिखवाना है, ये 0 नंबर है, ये 1 रजिस्टर नंबर है, ठीक है, और इधर आ रहा होगा 100, वो हम चाहते हैं इसके अंदर लिखा जाए, इसके अंदर लिखा तब जाता है जब हम इनेबल देंगे और डाटा सही दे देंगे, ठीक है, तो क्या करें। ये हमारे पास 8 रजिस्टर्स हैं, हर एक का इनेबल है, हर एक का डाटा इन है, तो मैं पूरे डाटा को जो 32 बिट हैं उसकी हर बिट को एंड कर दूं इनेबल के साथ, तो ये हो जाएगा कि बस इनेबल हुआ तो वो डिसेबल हुआ तो 0 चला जाएगा, इनेबल हुआ तो डाटा आगे चला जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। लेकिन बट क्या हम यही करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर की मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है, तो इधर तो मेरे पास बहुत सारी आउटपुट्स, मतलब मुझे सारों को इनेबल करना है, सारों को मतलब किसी तरह करना है, हर एक को कुछ डाटा इन देना है, हर एक को कुछ इनेबल देना है, तुम्हारी लॉजिक तो इनको ड्राइव कर रही होगी ना, इन सारे इनेबल्स को, इन सारे डाटा इन को, ये तो इनपुट आ रही है, असल में तो हमने ये बनाना है कि इनेबल पे क्या जाना चाहिए और डाटा इन पे क्या जाना चाहिए, अगर वो ठीक ठीक बना लिया तो हमारा सर्किट बन जाएगा। अच्छा ठीक है, सोचे सही, अभी मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ आपको कि आप इफ यू कैन काम आप, नहीं आपने जो चीज सोचनी है वो ये नहीं सोचनी कि आपको कोई बताए कि क्या चीज लगनी चाहिए, योर टास्क इज जो कि आप जो इस वक्त लर्न कर रहे हैं अपने माइंड जिम में, ठीक है, कि आपको एक सिचुएशन और आप वहां पर फिगर आउट कर सकेंगे क्या चीज लगनी बेहतर है, तो ये एक सिचुएशन है, यहां पर आपने फिगर आउट करना है कि क्या बेहतर है, क्या करूं मैं, करना ये है कि जो डाटा आ रहा है वो किसी एक रजिस्टर पर जाना चाहिए, किसी एक पर लिखा जाना चाहिए, ठीक है, और अगर राइट आ रहा है तब भी लिखा जाना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज किसी पर कुछ नहीं लिखा जाना, अगर राइट आ रहा है तो किसी एक रजिस्टर पर लिखा जाना चाहिए, क्या लिखा जाना चाहिए, ये वाला डाटा किस एड्रेस पे, जो एड्रेस आ रहा है सर उस एड्रेस पे लिखना चाहिए और बाकी सारों पे जीरो जरूर चला जाए, बाकी सारों पर कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो जो वैल्यू आपने रजिस्टर्स में सेव कराई हुई है वो पहले की कराई हुई है, आप चाहते हैं वो होल्ड रहे, तो अब एक चीज तो यहां पर नजर आती है कि हमारी बहुत सी आउटपुट्स हैं और एक इनपुट है, एक डीमल्टीप्लेक्सर, कुछ वैसे भी उस तरफ मल्टीप्लेक्सर लगा है, इस तरफ जरा बंदा कहता है कि अच्छा कुछ फिर शायद उसका ऑपोजिट काम हो, तो डीमक्स लगेगा, तो डीमक्स किस पर लगेगा, राइट पर या डाटा इन पर, उधर तो एक ही चीज थी,
और चलो इसकी सिलेक्ट लाइन तो सबसे आसान है एड्रेस की बेस पे, और डाटा इन पर डीमक्स लगा दो। अब क्या होगा कि बहुत सारे डाटा इधर से निकल आएंगे, ठीक है, मतलब 8 रजिस्टर हैं तो ये 8 डाटा निकल आएंगे। इन सब को क्या करूं, राइट के साथ नहीं, इनेबल तो एक बिट है ना, ये तो 32 बिट्स आ रही है डाटा इन, 32 बिट है, ये 32 बिट निकल आई। ये आ गया कि भाई इधर 100 आ रहा था, तो आप उस वाली लाइन पर 100 आ गया है जिस पर हम लिखवाना चाह रहे हैं। हाँ, लेट्स से कि मैं 3 नंबर रजिस्टर पर 100 लिखवाना चाह रहा हूँ, तो ये 3 नंबर वाली लाइन पर 100 आ गया, ठीक है, वो 100 अब हमने लिखवाना है उस जगह पर जाकर। ये अब हमारा मतलब ऑब्वियसली इधर आप डाटा इन भी है और इनेबल भी है, तो इसको क्या किसी से टाई करूं या किसी के साथ एंड करूं, क्या करूं? इसको किससे टाई कर दूं? ये जो डाटा इन आ रही है, एक तो तरीका ये हो सकता है कि जो सारे रजिस्टर्स की इनपुट थी उसको टाई कर दूं। अब क्या होगा कि भाई एड्रेस आया 3, जो भी डाटा इन आ रहा था वो 3 पर चला गया, बाकी सब पर 0 चला गया, ठीक है। अब अगला काम है कि मैंने लिखवाना है, लिखवाने के लिए मुझे उस नंबर पर इनेबल चाहिए और बाकी सब पर डिसेबल चाहिए। तो अब 8 इनेबल हैं, एक पीछे से इनेबल आ रहा है, मैं क्या चाहूंगा कि ये वाला इनेबल सिर्फ उस वाले रजिस्टर पर चला जाए जिसके ऊपर मैं लिखवाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो क्या कर सकता हूं, चल मैं दोबारा पुट करता हूँ, ठीक है। अब अगेन सिचुएशन है और आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए अगर आपने कंपोनेंट्स ठीक। एक राइट पीछे से आ रहा है, जो 1 होगा तो लिखवाना है, नहीं है तो नहीं लिखवाना। मैं चाहता हूँ कि ये वाला राइट उस वाले रजिस्टर का इनेबल बन जाए जिस वाले रजिस्टर पर मैंने लिखवाना है। सो वो नंबर आ रहा है इधर से, इसकी बेस पर मैं किसी एक रजिस्टर को इनेबल करना चाहता हूँ, बाकी सबको डिसेबल कर। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे इनेबल जनरेट करूँ लेकिन बाकी सब 0, क्योंकि इन सब को जनरेट करना है ना मैंने, तो मैं ये 8 इनेबल जनरेट करना चाहता हूँ लेकिन इनमें से बाकी सब 0 हो, सिर्फ वही वाला 1 हो जिसका नंबर यहाँ पर आ रहा है, वो भी 1 ना हो, वो भी अगर राइट 1 है तो 1 हो, नहीं तो ना हो, राइट उस जगह पर चला जाए। इन अदर वर्ड्स, राइट अगर 0 है तो वो उस वाले रजिस्टर पर चला जाए उसके इनेबल पर। तो मैं इधर चाह रहा हूँ कि मेरे पास मल्टीपल इनेबल्स हो 8, और ये जो एड्रेस है ना इसमें ये मुझे बता रहा है कि किस वाले के ऊपर इसको मैंने टाई करना है। अब इससे ज्यादा मैं ये सीधा डीमक्स है यार, डीमक्स एग्जैक्टली यही काम करता है कि जो नंबर आ रहा है उस वाले के साथ टाई कर देता है, ठीक है। तो ये पहली दफा है तो आई अंडरस्टैंड कि आप लोग होंगे, लेकिन यही चीज आपने बिल्ड करनी है कि अगर मतलब ऑब्वियसली इतनी ऑब्वियस सिचुएशन में तो आपको फौरन से दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली सारी सिचुएशन उतनी ऑब्वियस नहीं होती, तो आपने उसको ब्रेकअप करके जहां पर आपके पहुंच सकते हो वहां पर पहुंचेंगे। सो ये आपका डी मल्टीप्लेक्सर राइट पर लग गया, और मैं अब इसको पहले इनेबल से टाई कर दूं, इसको दूसरे से। सो थोड़ी सी मैसी डायग्राम होगी है, बट जस्ट बेयर विद इट और समझेंगे ये आखिरी वाले के इनेबल बन गए, ठीक है। और आखिरी वाले के डाटा इन के साथ आखिरी जो आखिरी वाला डाटा इन था वो लट से इधर से आ रहा था ना, ओके। अब क्या होगा, अब हम इसको जरा ड्राई रन करके देखते हैं कि यार वाकई ठीक काम करेगा भी या मतलब हमने वैसी कनेक्शन दे दी है, कुछ मसला ना आ रहा हो। सो अगर लाइट से मैं कहता हूँ एड्रेस आया 4, ठीक, सो 4 एड्रेस आया तो डाटा 4 पे मैं 100 लिखवाना चाह रहा था, तो मैंने एड्रेस 4 दिया, डाटा 100 दिया, राइट को 1 कर दिया, ठीक है। तो अब उस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे क्या होगा कि क्योंकि एड्रेस 4 आ रहा है तो डाटा 4 नंबर वाले रजिस्टर पर फॉरवर्ड होगा, राइट 4 नंबर वाले रजिस्टर पर फॉरवर्ड होगा, बाकी सब पर 0 चला जाएगा, डाटा भी इनेबल भी, और 4 वाले पर राइट क्योंकि 1 था तो 1 चला जाएगा, वो इनेबल भी हो गया, डाटा भी ठीक मिल गया, लिखा गया। सो इसका मतलब है कि ऑल इज वेल, ठीक है, ओके। लेकिन ठीक है, लेकिन जब आ जाए ना, तो कहते ना इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। किसी सियाने ने कभी कहा था कि अगर
एनीथिंग बिफोर बट डजंट मैटर, ठीक है. सो जब अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी हो तो उसमें था शायद प्रॉब्ली डायलॉग. ओके सो सो मैंने बट बोल दिया, तो अब आगे क्या है इसमें. बट ये है कि ये वाला सर्किट जो है ना, काम तो ठीक कर रहा है मगर इसमें हमने कुछ गैर जरूरी काम कर दिया, रिडंडेंट है कुछ, रिमूव किया जा सकता है कुछ. ये आपने मुझे बताना है. हम ये कह रहे हैं कि जो एड्रेस आ रहा है उस वाले पर डाटा भेज रहे हैं, बाकियों पर जीरो भेज रहे हैं, और जो उनसे एड्रेस आ रहा है उस पर इनेबल भेज रहे हैं, बाकियों पर जीरो भेज रहे हैं. एक डीमक्स कम होगा, कौन सा डीमक्स कम होगा? तो हमें इनेबल तो करना है सब किसी को, किसी को उसको उसी के साथ तो नहीं कर सकते. साथ का क्या मतलब है? क्यों मल्टीपल इनपुट का है यार? राइट और डेटा इन में से सिलेक्ट तो हमने कुछ नहीं करना, हमने तो दोनों को ही यूज करना है आगे. थिंकिंग क्या क्या करना पड़ेगा. ओके सो मैं इसको दोबारा पुट करता हूं और फिर मैं सोल्यूशन बता दूंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं आखिरी दफा पुट करूं तो आप पहुंचे. हम ये कह रहे हैं कि हम इनेबल भेज रहे हैं लेकिन सिर्फ उसको भेज रहे हैं जिस वाले रजिस्टर पर हम लिखवाना चाहिए, और साथ ही हम डाटा भी सिर्फ उसी को भेज रहे हैं, बाकियों पे जीरो भेज रहे हैं. तो नहीं नहीं, उसको ऊपर तो नहीं टैग कर सकते, ये इनेबल है वो डाटा है. नहीं, उसमें डाटा में तो इनेबल नहीं होता. देखो ये तो इसलिए चाहिए क्योंकि बाकियों पे जो जीरो लिखवा रहे हैं, हम बाकी किसी पे जीरो लिखवाना नहीं चाहते, जीरो भेज रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है. लेकिन अगर हमने इनेबल रखा हुआ है, अगर मैं इनेबल कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है कामरान ये जल्दी आ जाए भाई क्योंकि अभी दोबारा स्लाइड पे हम मूव करने लगे. अगर हमने इनेबल रखा हुआ है कि जिस वक्त इनेबल आएगा तो वो सिर्फ उसी रजिस्टर पर इनेबल जाएगा, बाकी सब पर जीरो जाएगा, तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि बाकी सब पे डाटा क्या जा रहा है? अगर इनेबल ही जीरो जा रहा है तो बाकी सब पे डाटा जो भी चला जाता है वो लिखा तो जाएगा नहीं, ठीक है. तो फिर हमने ये जो मक्स डीमक्स लगाया हुआ है ये क्या कर रहा है कि ये बाकियों पे जीरो भेजने का काम कर रहा है और उस वाले रजिस्टर पर डाटा को भेज रहा है, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है. लेकिन फिर हमें क्या करने की जरूरत है बाकियों पे? क्या क्या अगर मैं इसको हटा दूं तो अब बहुत सारे डेटाज हैं और एक डाटा पीछे से आ रहा है, तो क्या करूं? मैं यहां पर ये कर सकता हूं कि सेम डाटा को सब पर टाई कर दूं, ठीक है. मुझे इधर असल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ सेम डाटा जो आ रहा है उसको सब रजिस्टर के साथ टाई कर दूं. अब क्या होगा? अब जब भी इनेबल राइट अगर आया है तो सिर्फ एक रजिस्टर इनेबल हुआ है, बाकी सब तो डिसेबल्ड है, तो उन पर डाटा जाता रहे, लिखा तो नहीं जाएगा. इनेबल ही नहीं है तो लिखा भी नहीं जाएगा, ठीक है. तो क्योंकि लिखा भी नहीं जाएगा तो इसका मतलब है कि इस डीमक्स की असल में जरूरत नहीं थी. जस्ट टू गिव यू, ये समझ आ रही है ना सारों को कि ये डीमक्स क्या काम कर रहा था कि भाई जिस रजिस्टर पर मैंने लिखवाना है उस पर डाटा चला जाए, बाकियों पर जीरो चला जाए. लेकिन बाकियों पर अगर इनेबल ही जीरो जा रहा था तो इट डिडेंट मैटर कि मैं उधर बाकियों पर जीरो भेजूं, मैं बेशक बाकियों पर भी डाटा भेज देता, ठीक है, क्योंकि लिखा ही नहीं जाना था. इनेबल जीरो जा रहा था तो लिखा नहीं जाना था, सिर्फ उस रजिस्टर पर लिखा जाना था जिसमें. सो ये पूरा का पूरा डीमक्स जो था ना ये रिडंडेंट था. ये ज्यादा अच्छा क्योंकि इसमें एक पूरा डीमक्स अवॉइड हो गया. भेज रहे हैं लेकिन हमने उसको हैंडल करने की लॉजिक ऑलरेडी बनाई हुई है. ये डी मल्टीप्लेक्सर ऑलरेडी इसको हैंडल कर लेता है कि बाकियों पर नहीं लिखा जाएगा. सो बाकियों की इनपुट पर जो भी आता रहे
वी डोंट, असल में वो हमारे लिए डोंट केयर थे, ठीक है, और डोंट केयर को यूज करते हुए हम चीज को ऑप्टिमाइज कर सकते थे। तो वो हमारे लिए डोंट केयर था कि इस वक्त बाकियों पे जो भी आता है, और उसको यूज करते हुए हम ये कर सकते थे कि सब के सब को एक ही से टाई कर दें, ठीक है। तो एक्चुअली हमने कोई लॉजिक ही नहीं बनाई, हमने सिर्फ टाई कर दिया, ठीक है। पर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में आने के लिए कि हमने क्या बचाया है, ठीक है, अभी ये खैर मैं स्लाइड के ऊपर ले जाता हूँ कि बेसिकली अब हमारा क्या होगा कि डाटा जो है हम सबके साथ टाई कर देंगे और इन राइट को हम डीमक्स कर देंगे, ठीक है। तो इधर मैंने दो दो टाई किए हुए हैं, ये एक चीज नहीं है, ये डाटा जो है ये 32 बिट का है, ये उसके डाटा इन से टाई हो रहा है, ठीक है, और ये जो इनेबल है ये एक बिट का है, ये इनेबल के तौर पर टाई हो रहा है, जो राइट आ रहा है ना ये इनेबल के तौर पर टाई हो रहा है, तो ये फिगर में। अच्छा, मैंने आपको जब थोड़ा सा जब ये वाले सर्किट्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वी शुड कीप इन माइंड कि इनका एरिया कितना और इनका डिले कितना है, ठीक है। ये एक बिट का डीमल्टीप्लेक्सर है, ये एक बिट आ रही है, डीमल्टीप्लेक्स हो रही है और सारों के इनेबल जा रहे हैं। वो जो हमने डीमल्टीप्लेक्सर रिमूव किया है वो देखने में हमने इतना ही बनाया था डायग्राम में, मगर वो 32 बिट का था, इसका मतलब है वो इससे 32 टाइम्स बड़ा था, क्योंकि हर हमने कहा था कि अगर 32 का डीमल्टीप्लेक्सर बनाना हो या मक्स बनाना हो तो इट्स जस्ट लाइक कि हर बिट के लिए लदा 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 लगा दे, ठीक है। तो हमने ठीक सा बड़ा सर्किट इसमें से निकाल दिया, देखने में वो नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर आप इफ यू आर शार्प इनफ तो आप इसको ये चीज समझ आ जाएगी कि ये हमने एक ठीक सा चांग बचा लिया, ठीक है। ये बड़ा मल्टीप्लेक्सर है, देखने में ये दोनों एक ही तरह के बनाए हुए हैं, लेकिन ये 32 बिट का है, यानी कि ये 32 मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं जो एक एक बिट उठा के आके फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको फिगर के ऊपर ये दिखा, तो हमें बैक ऑफ माइंड अच्छे हार्डवेयर डिजाइनर को ये चीज भी जहन में रखनी होती है कि सर्किट के साइजेस क्या चल रहे हैं, ठीक है, कितना कितना एरिया चल रहा है, तो मैंने जो मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर नए कितने कितने बिट के हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं बनाई थी, एफपीजीए पे फिट ही नहीं ना हो सके, छोटा एफपीजीए लगा हुआ है इसमें पूरी नहीं आ सकती, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके, तो ये हमारी होगी रैच फाइल, ठीक है। तो जनरली प्रोसेसर्स के अंदर ऐसी रैच फाइल होती है, जो चीज़ वेरी होती है वो ये होती है कि अच्छा कितने रजिस्टर्स हैं, कभी 8 होंगे, कभी 16 होंगे, कभी 32 होंगे, कभी 64 होंगे, कभी उससे भी ज़्यादा होंगे, और दूसरी चीज़ जो वेरी होती है वो ये होती है कि कितनी रीड पोर्ट और राइट पोर्ट्स हैं। अभी हमने एक 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 ही पोर्ट बनाई जिससे रीड भी कर रहे हैं या राइट भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इनको अलहदा करना तो इसका एड्रेस अलहदा कर दूँ कि यानी एक राइट एड्रेस हो, एक रीड एड्रेस हो, ठीक है, तो रीड किसी और जगह से भी कर सकता हूँ, राइट किसी और जगह पर भी करा सकता हूँ, ये हो जाएगा। अगर मैंने दो रीड पोर्ट बनानी हो तो ऐसे दो मल्टीप्लेक्सर लगा दो तो दो अलग अलग जगहों पर भी रीड कर सकता हूँ, तो मतलब छोटे मोटे इस किस्म के फर्कों के साथ आपकी रैच फाइल एग्जिस्ट करती है। अच्छा, ये एक छोटी सी मेमोरी है जो कि प्रोसेसर को डायरेक्टली एक्सेसिबल है। जो थोड़ी बड़ी मेमोरी होती है वो भी एक्चुअली मॉडल उसका यही होता है, ठीक है, कि आप उसको एड्रेस देते हैं और वो आपको रीड करना हो तो डाटा देती है, और अगर आपने लिखवाना है तो आप एड्रेस देते हैं, राइट नेबल देते हैं और डाटा इन देते हैं। सिर्फ फर्क यह पड़ता है कि उसका साइज बड़ा हो जाता है मेमोरी का, ये रैच फाइल उमूमन छोटी होती है, हमने ये 64 तक चले जाते हैं, 64 तक चले जाते हैं, जो छोटी रैम जो प्रोसेसर की चिप के अंदर होती हैं उसमें भी फिर मल्टीपल लेवल्स ऑफ रैम होती हैं जिनको हम कैशेस कहते हैं, वो मे बी फ्यू केबीज से लेकर फ्यू एमबीज तक जाती हैं, ठीक है। सो जो पहले लेवल की है वो हो सकता है कि 4 KB या 8 KB तक, और वो तकरीबन ऐसी चल रही हो, सिर्फ ये हो कि जब आप उसको एड्रेस देते हैं तो डाटा आने में शायद एक से ज़्यादा साइकिल लगे, क्योंकि जब ये बड़ा होगा, जब आप ज़्यादा मतलब एक थोड़ी सी इंट्यूशन में देना चाह रहा हूँ इसकी कि अगर ये 8 हैं तो ये तो 8 to 1 का मक्स बन गया, ठीक है, वो अगर मैं कहूँगा ये 1024 हो तो ये 1024 to 1 का मक्स बनेगा, ठीक है। और हमने मक्स में पढ़ा हुआ कि एंड में एक बड़ा सा और गेट आएगा, जितनी इनपुट्स हैं उतने का, और फिर पीछे एंड गेट्स लगेंगे तो उसका डिले काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि भाई अब हम कहते हैं कि 4 GB की रैम लगा ली, अगर वो भी इसी मॉडल पे मैं बना दूँ तो 4 GB इनपुट का और गेट बनेगा, ठीक है, विच इज़ ह्यूज, जो कि हम नहीं, सो रैम वाले फिर इस तरह काम नहीं करते, वो थोड़ा सा उसको रोज और कॉलम्स में तोड़ के आपको कह देते हैं कि यार आपने अगर इनपुट दिया ना तो मैं आपको थोड़ी देर बाद आउटपुट दूंगा, होगा यही कि मैं एड्रेस दूंगा वो मुझे डाटा देगा। अगर 4 GB है तो आप समझेंगे 0 से लेके 4 GB तक के रजिस्टर लगे हुए हैं, और आप इधर से इनपुट एड्रेस देते हैं, वो मुझे उधर से डाटा निकाल दें, कंसेप्चुअली यही चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट इस तरह नहीं होगी, बल्कि वो कहेगा कि अच्छा मुझे आप ना कुछ साइकिल्स दें, नॉर्मली जो नॉर्मल रैम्स हैं वो 25 से 30 साइकिल कम अज़ कम ले जाती हैं प्रोसेसर के, कि आपने अगर एक वैल्यू रीड करनी है आप एड्रेस देते हैं तो वो इतनी देर बाद आपको डाटा देंगे,
ठीक है, और इसी तरह राइड भी इसी तरह होता है कि आप एड्रेस दें तो डाटा, हार्ड डिस्क होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले जाती है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़। सो लेकिन मोर और लेस जो मोटा सा मेमोरी का मॉडल है, जो अमूमन हम देखेंगे कि FPGA के अंदर भी कुछ रैम्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम ब्लॉक रैम्स कहते हैं, वो तकरीबन इसी मॉडल पर काम कर रही होती हैं, एड्रेस, राइट, डाटा इन और डाटा आउट, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी कवर करेंगे आगे कुछ लेक्चर्स में, तो लेकिन मोटा मोटा मॉडल मैं आपको चाह रहा था कि ज़हन में हो जाए, ठीक है, ओके। इसके अलावा क्या कंपोनेंट्स हैं? इसके अलावा हमारे एड्रेस सबट्रैक्टर होते हैं। एड्रेस सबट्रैक्टर क्या कर रहे होते हैं? हमने ये भी पढ़े हुए हैं कि नॉर्मली एडर ऐड कर रहा होता है और सब्ट्रैक्टर सब्ट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट का केस में हम एडर और सब्ट्रैक्टर एक ही लॉजिक से बना सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉजिक उसमें डलती है। फिर हम एक इनपुट ले लेते हैं कैरी इन की और ऐड सब की, कि सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको जीरो कर दो, सब्ट्रैक्ट नहीं करना तो इसको वन कर दो, तो वही एडर जो है वो एडर का काम कर रहा होगा, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट वन कर दिया तो वो सब्ट्रैक्टर का काम करना शुरू हो जाए। इसके अलावा नॉर्मली अगर आप दो नंबर्स को ऐड करें तो उनका रिजल्ट हो सकता है उतनी बिट में ना आ सके, ठीक है, अगर आपके बड़े बड़े नंबर हैं ना तो वो उस रेंज से बाहर जा सकते, लेकिन एक बिट ऐड करना उसके लिए काफ़ी होती है, वो उतना ही आगे डबल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जो भी मैक्सिमम नंबर है वो दो दफ़ा ऐड करेंगे तो वो डबल हो जाएगा, ठीक है, सो डबल के लिए एक बिट एक्स्ट्रा काफ़ी होती है, ठीक। अच्छा, अब ये अब आपका डिसीजन है जो आप हार्डवेयर डिज़ाइन करें कि आप उसमें एक बिट एक्स्ट्रा करना चाहेंगे एडर की, या आप उतनी ही बिट्स रखना चाहेंगे लेकिन फिर आप कोई सेचुरेशन या ओवरफ्लो की लॉजिक बनाना चाहेंगे, या वो भी नहीं बनाएंगे, ये भी हमारे ऊपर है, ठीक है, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। अगर आप ये इंश्योर कर लेंगे इनपुट कभी इतनी बड़ी आएगी नहीं तो फिर आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल आप ये एन बिट्स हैं तो आउटपुट भी एन बिट्स की रख लें, बात खत्म, ठीक है। अगर आपको पता है कि वो ऊपर थोड़ी बहुत जा सकती हैं तो हो सकता है आप कहें कि यार मैं सेचुरेशन की लॉजिक बना दूंगा कि जब वो ओवरफ्लो हुई तो मैं उसको सेचुरेट कर दूंगा, ठीक है, ये भी हमने एडर मल्टीप्लायर में पढ़ी थी, ठीक है, तो ये फिर हमारे पर डिपेंड करता है। इसी तरह मल्टीप्लायर जो है वो भी मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में अगर दो एन बिट के नंबर हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर उससे डबल साइज के हो जाते हैं, दो 32 बिट के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 बिट। सो अगेन इसके ऊपर भी आपके पास ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है कि साइंड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है या अनसाइंड की है, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट होती हैं थोड़ी सी। दूसरी ऑप्शन आपके पास है कि उसको आपने जब रेंज से बाहर निकल जाएगी तो क्या करना है, सैचुरेट करना है या नहीं करना, और तीसरी चीज़ है कि अच्छा आप इन बिट्स को वापस छोटा कैसे करें, ठीक है, क्या मैंने 64 की 64 बिट्स में पूरी की पूरी संभाल के रखनी है या मैं दोबारा इसको 32 बिट में बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर जिस तरह हम नॉर्मल सी में कोड लिख रहे होते हैं और दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो हम कहते हैं कि हम रिजल्ट 32 में ही रखेंगे, वो बाहर वाली बिट्स जो है ना ज़्यादा वो उनको हम इग्नोर कर देते हैं नॉर्मली, ठीक है। सो क्योंकि 32 बिट का मतलब है कि आप -2 GB से +2 GB तक तकरीबन नंबर रख सकते हैं, तो हम कहते हैं कि यार हम वी आर प्लेइंग इन दिस रेंज, ठीक है, अगर हम इससे बाहर निकले तो फिर हम जिम्मेदार नहीं है, हमारा प्रोग्राम जिम्मेदार, तो उस केस में फिर आप इसको एन बिट का रखा है तो आउटपुट भी एन बिट की रख दें, लेकिन अगर आपको वो चाहिए प्रिसीजन आगे वाली बिट्स चाहिए तो फिर हम इसको डबल साइज का रखते हैं, ठीक, ओके। सो अब हम कुछ डिज़ाइन एग्जांपल्स कर लेते हैं, प्रॉबेबली आज जो टाइम रह गया उसमें एक ही एग्जांपल होगी, ठीक है, सो वो हम कर लेते हैं, दूसरी एग्जांपल फिर हम कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में जो हमने स्टेट मशीन्स पढ़ी थी पिछले लेक्चर में उसमें से क्विज होगा, ठीक है, यानी जी कल वाली क्लास में, ठीक है, तो आज आप जाके उससे अगला वाला लेक्चर जो है ना वो रिवाइज करके आ जाए, आज वाले से मैं वैसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्विज की परफॉर्मेंस से, सो कल वाले की क्विज पे कोशिश करें, क्विजेज जो हैं वो आपको एक अच्छा आइडिया दे देंगे कि पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, इसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आप उसमें चाहते। सो जो पहली एग्जाम्पल हम करना चाह रहे हैं वो है सिंपल एक डिक्रीमेंटर, ठीक है, सो कहने को तो सिंपल सा डिक्रीमेंटर जो एक एक माइनस करो, ठीक है, छोटा सा सर्किट अभी हम बनाएंगे इसको, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे काम जो है ना सर्किट डिज़ाइन के वो ये कर जाता है छोटा सा सर्किट, ठीक है, इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंटर से ही बहुत सारे काम हो जाए। सो हम जो डिक्रीमेंटर बनाना चाह रहे हैं उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, फिर आपने मुझे फिर साथ साथ डिज़ाइन करवाना है जिस तरह हमने रेज फॉइल डिज़ाइन की थी, ठीक है। अच्छा, करना हम ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा सर्किट हो जिसको हम बता दें कि यार इस नंबर से स्टार्ट हो और डिक्रीमेंट करना शुरू हो जाओ। फॉर एग्जांपल मैं कोई
काउंट कर रहा हूँ, साइकिल्स काउंट करना चाह रहा हूँ कि यार मैं कुछ लेट से मैं कहता हूँ कि यार 10 माइक्रोसेकंड का डिले देना है मैंने और उसके बाद कुछ काम करना है, वो 10 माइक्रोसेकंड में कैसे कॉल काउंट करूँगा? मैं कहूँगा कि अच्छा अगर मैं 1 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा हूँ तो मुझे इसके इतने एन साइकिल्स गुजर जाएंगे तो 10 माइक्रोसेकंड हो चुके होंगे, तो वहाँ पर मैं एक डिक्रीमेंटर लगा दूंगा कि भाई उसको इनिशियल वैल्यू दे दूंगा। लेट से मैंने 100 साइकिल काउंट करने थे तो मैं कहूँगा कि 100 से स्टार्ट हो, वो इनिशियल वैल्यू होगी, और उसके बाद एक एक करके डिक्रीमेंट करते करते जब वो जीरो पे पहुंच जाएगा इसका मतलब है कि साइकिल हमारे ख़त्म हो गए, तो उतना टाइम गुजर चुका है। ठीक है, तो हम इसमें एक तो इनिशियल वैल्यू हमने इनपुट रखी हुई है, एक हमने रखा है लोड। लोड क्या करता है, वो इनिशियल वैल्यू को सेव कर लेता है। ठीक है, तो मैं लेट से कहूँगा कि भाई 100 सेव करना है, तो मैं कहूँगा लोड और इधर 100 दे दूंगा, तो अब मेरे पास 100 सेव हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब मैंने अगर कभी डिक्रीमेंट करना है तो मैं ये डिक्रीमेंट को 1 करूंगा, जब भी डिक्रीमेंट 1 होगा तो वो 100 से 99 हो गया, अगली दफा 1 हुआ तो 99 से 98 हो गया, अगली दफा 1 हुआ तो 98 से 97 एंड सो ऑन करते करते। सो मैं इसमें ये फैसिलिटी रखना चाह रहा हूँ कि जो मैंने हर साइकिल पे डिक्रीमेंट नहीं करना, बल्कि मैं खुद कंट्रोल करूँगा कब मैंने डिक्रीमेंट करना। ठीक है, अगर मुझे हर साइकिल में डिक्रीमेंट चाहिए तो मैं इसको 1 कर दूंगा, अगर मुझे चाहिए कि मैं कोई और इवेंट हो रहा है जिसको मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो जब भी वो इवेंट होगा तो मैं कहूँगा भाई एक दफ़ा डिक्रीमेंट कर दो, तो एक दफ़ा डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो जितनी दफ़ा वो इवेंट हो गया वो मैंने काउंट कर लिया, एंड टाइम्स हो गया, तो मैं उसके बाद तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। और काउंट हमारी आउटपुट है, बाहर जिसने भी काउंट जीरो को देखना है वो देख ले कि भाई जीरो हो गया, तो जो भी काम करना है वो कर ले, अगर दरमियान में किसी वैल्यू पे कोई काम करना है तो वो कर ले। एक मिसाल इसकी है, जिस तरह अगर हम बिल्कुल 1 सेकंड के इंटरवल पे चल रहे हो तो जो ट्रैफिक लाइट के साथ काउंटर लगे होते हैं वो भी डाउन काउंटर होते हैं कि आप एक इनिशियल वैल्यू लोड करते हैं और फिर वो डाउन काउंट होना शुरू हो जाए। ठीक है, वहां पर भी लग सकता है, लेकिन फिर आप इसको 1 सेकंड बाद डिक्रीमेंट कर रहे हो। ठीक है, लोड कर देंगे जितने सेकंड कर देने, ठीक है, कल को उसको चेंज करना है सेटिंग को, ट्रैफिक चेंज होगी, आप कहते हैं कि नहीं अब मैं 1 मिनट के बजाय जो है ना वो सिर्फ 40 सेकंड काफ़ी हैं, तो मैं इसको 40 इनिशियल वैल्यू लोड करूंगा और कर दूंगा। ठीक है, तो ये अगर सर्किट उधर लगाओ तो आप डिक्रीमेंट कर रहे होंगे 1 सेकंड के बाद और लोड कर रहे होंगे जब भी आपने प्लान अपना चेंज करना है, और मतलब जब भी आपने उसको इनिशियल वैल्यू देनी है। ठीक है, जब भी आपका ट्रैफिक के सिग्नल की बारी आई तो आपने उसको लोड कर मतलब इस बात समझ आ रही है। ये हो सकता है जब ग्रीन लाइट के लिए जो काउंटर होता है वो किसी और वैल्यू से चल रहा होता है, रेड लाइट के लिए किसी और, तो ग्रीन लाइट इसके ऊपर फिर आप लॉजिक बना लेंगे कि जब ग्रीन हो रही है तो कुछ और इनिशियल वैल्यू लोड हो, रेड हो रही है तो कुछ और इनिशियल वैल्यू। सो ये समझ आ गया कि क्या काम करता है। ओके, अब इसका सर्किट डिजाइन करना है। ठीक है, लॉजिक डिजाइन में अक्सर ये होता है कि जब आपने सर्किट डिजाइन करना होता है तो शुरू में कुछ समझ नहीं आ रही होती, अच्छा किधर से स्टार्ट। ठीक है, सो मेरा जो रूल ऑफ थंब है इधर वो ये है कि मैं उस चीज़ से शुरू हो जाता हूँ जो मैं कहता हूँ जो सर्किट में लगनी है, एनी केस लगनी है, उसको तो मैं ड्रॉ करता हूँ सर्किट के अंदर। ठीक है, मैं नॉर्मली एक डब्बा बना लेता हूँ बॉक्स के, ये मेरा सर्किट है जो कि अभी बना हुआ, और देन उसके इनपुट आउटपुट अच्छी तरह डिफाइन कर लेंगे क्या है, जो कि मैंने आपको बता दी क्या है। नेक्स्ट स्टेप मैं ये करता हूँ कि जो चीज़ इसके अंदर इसेंशली लगनी है मुझे पता है वो मैं लगा देता हूँ। सो इसके अंदर क्या चीज़ लगनी है, हमने इनिशियली एक इनिशियल वैल्यू सेव करनी है, बाद में हमने उसको डिक्रीमेंट करवाना है। ठीक है, सो क्या चीज़ है जो ज़रूरी इसमें आएगी, रजिस्टर के मैंने कुछ सेव करना है। ठीक है, सो इनिशियली इनिशियल वैल्यू सेव करनी है, सो एक मैंने लगा दिया रजिस्टर। ठीक है, सो स्टार्टिंग पॉइंट एक मिल गया कि रजिस्टर तो होगा। दूसरा मैंने क्या काम करना है कि इस रजिस्टर में क्या करना है, मैं चाहूँगा इनिशियली अगर कभी लोड आया तो मैं इस पर ये वाली वैल्यू सेव कर लूँ, और अगर कभी डिक्रीमेंट आया तो क्या करूं, इसी को एक काम कर दूं। ठीक है, सो इस रजिस्टर के अंदर सेव करने के लिए मेरे पास 2 चीज़ें, एक है इनिशियल वैल्यू और दूसरा मैं क्या चाहता हूं, डिक्रीमेंट करने की लॉजिक भी जरूर रहेगी, और डिक्रीमेंटर क्या होगा, एक सब्ट्रैक्टर है जो 1 माइनस कर रहा है। ठीक है, सो एक मेरे पास आ गई कि यही चीज़ मैं डिक्रीमेंट करके भी इसी रजिस्टर में सेव कराना चाहता हूँ, यानी इनिशियली मैं चाहता हूँ लेट से 10 स्टोर हुआ है तो जब डिक्रीमेंट आए तो ये 9 हो जाए, फिर दोबारा डिक्रीमेंट हो तो 8 हो जाए, फिर दोबारा डिक्रीमेंट, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। ये तो लगनी लगनी थी, ये हमने लगा दी। ठीक है, तो अब हम अचानक से स्टार्टिंग पॉइंट से एक लेवल आगे चले गए, तो हमें अब कुछ बना बनाया नजर आना शुरू हो गया सर्किट। नेक्स्ट चीज़ है कि अच्छा अब ये 2 चीज़ें आ रही हैं, तो अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि यार इसकी तो एक इनपुट होगी, अब ये 2 आ रही हैं, मैं कभी ये लिखवाना चाहता हूँ कभी ये लिखवाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब मैंने लोड करना हो तो ये लिखवा दूँ, मैंने डिक्रीमेंट करना हो तो ये लिखवा दूँ, तो ये कैसे करूँ।
इसकी तो एक इनपुट है ना, ये रजिस्टर है, ये तो इसकी आउटपुट है, इसकी इनपुट जो है वो, ये बेसिकली रजिस्टर खुद वो काउंट ही है जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो काउंट को तो मैं डायरेक्टली टाई कर सकता हूँ, ठीक है, बाहर। ये इसको तो मैंने काउंट से टाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये बाहर है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब लोड आए तो ये इधर लिखा जाए, डिक्रीमेंट आए तो ये लिखा जाए। जीरो वन का मल्टीप्लेक्सर, यानी टू टू वन मल्टीप्लेक्सर लगा दें, जो दो में से किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो हम इधर लगा देते हैं एक टू टू वन मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, क्या जो क्या करेगा कि अगर लोड आ रहा हो तो इधर से सिलेक्ट कर लेगा, अगर डिक्रीमेंट आ रहा हो तो इधर से सिलेक्ट, ठीक। अब मल्टीप्लेक्सर है तो उसकी एक सिलेक्ट लाइन भी है, कितने बिट की है? एक बिट की है, क्योंकि जीरो या वन होना है, इसने जीरो पे एक को सिलेक्ट करना है, वन पे दूसरे को। इसको किससे टाई करूं? चलो वो वाला काम तो हो गया कि दो में से एक आगे जाएगा, लेकिन इसको किससे टाई करूं? क्या हम चाहते हैं? हम चाहते हैं कि डिक्रीमेंट आए तो डिक्रीमेंट हो जाए, अदरवाइज लोड की तरफ से हो जाए, ये चाहते हैं, या वाइस वर्सा के लोड आए तो इससे टाई हो जाए, नहीं तो डिक्रीमेंट की साइड से। तो क्या कर सकते हैं? हाँ, जो कि इन दोनों को सिलेक्ट कर, और उसकी सिलेक्ट लाइन कहां से आएगी? उसके लिए एक और बहुत सारे इसको हम बड़े आराम से डिक्रीमेंट से टाई कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहे तो हम डिक्रीमेंट से कर सकते हैं, चाहे तो हम लोड से। अगर हम डिक्रीमेंट से टाई करें, इसका मतलब है कि जब डिक्रीमेंट वन होगा तो ये वाली साइड सिलेक्ट हो जाए, और जीरो होगा तो ये साइड सिलेक्ट हो जाए। अगर लोड से करें तो उसका मतलब होगा कि जब लोड आए तो ये सिलेक्ट हो जाए, नहीं तो ये सिलेक्ट हो जाए। ऑब्वियसली जीरो वन हमारे चेंज हो जाएंगे उस केस में, लेकिन लेकिन से आगे पहले जो है वो बैटरी। सो लेकिन बात ये है कि हम ये तो नहीं चाहते कि अगर डिक्रीमेंट आया तो डिक्रीमेंट हो, लेकिन डिक्रीमेंट नहीं आया तो लोड होना शुरू हो जाए, ये तो नहीं चाहते, ठीक है। तो अभी तो ये मसला है कि अगर डिक्रीमेंट आया तो डिक्रीमेंट हो जाएगा, ये वाली साइड सिलेक्ट, नहीं तो ये लोड वाला सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम ये तो नहीं चाहते कि अच्छा मैंने डिक्रीमेंट किया, ये 100 से 99 हुआ, और फिर जब अगले कुछ देर के लिए डिक्रीमेंट 0 हुआ तो दोबारा 100 स्टोर हो, ये तो नहीं चाहते हम, ठीक है। हम इसको रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिस वक्त लोड आए उसी वक्त लिखा जाए, और अगर डिक्रीमेंट आए तब ही लिखा जाए। ये भी तो हो सकता है कि लोड और डिक्रीमेंट दोनों 0-0 आ जाए, तो फिर हम क्या चाहेंगे कि कोई चेंज ना आए इसके अंदर। तो अगर हम ये चाहते हैं कि अगर 0-0 पर कुछ भी ना लिखवाया जाए, हम किसी रजिस्टर पे, यानी ये स्टेट चाहते हैं कि हर साइकिल पे नहीं लिखना बल्कि कभी ना भी लिखवाया जाए, तो इसका क्या मतलब है कि रजिस्टर को क्या करने की जरूरत है? इनेबल चाहिए इसको, ठीक है। इनेबल क्या करता है? जब भी हमें ऐसा रजिस्टर चाहिए जिस पे हम हमेशा नहीं लिखवाना चाहते, मतलब नॉर्मली अगर इनेबल नहीं लगा हुआ तो हर क्लॉक साइकिल पे, हर रेज पर लिखा जाएगा। इनेबल आ गया तो इसका मतलब है कि अब हम, हमारे पास कंट्रोल है, जब ये जीरो होगा तो नहीं लिखेंगे, जब ये वन हुआ तो लिखा जाए, ठीक है। तो इसने सिलेक्ट तो कर ली सही साइड जो हमने मार्क्स लगाया था, लेकिन सिर्फ मसला ये था कि हम हर दफा लिखवाना नहीं चाहते, हम लिखवाना सिर्फ तब ही चाहते हैं जब लोड हो या डिक्रीमेंट हो, इसके अलावा हम नहीं लिखवाना चाहते, ठीक है। तो फिर इसकी लॉजिक क्या बनेगी? मैंने वैसे बोल दिया कि मतलब अगर आप प्रॉब्लम कोई गौर से सुने तो सोल्यूशन सामने होता है। मैंने कहा कि हम तब लिखवाना चाहते हैं जब लोड हो या डिक्रीमेंट हो, तो लॉजिक क्या बननी चाहिए इसकी, इनेबल की? एक मिनट, When load or decrement, तो हम चाहते हैं कि ये ऑन हो। इस स्टेटमेंट को पढ़ के नहीं समझ आती लोड और डिक्रीमेंट को आपस में और कर दें। सो लोड और डिक्रीमेंट को आपस में और कर दिया तो अब क्या होगा? अब हम इसको जरा ड्राई रन करके देखते हैं कि जब भी लोड या डिक्रीमेंट आया तब भी लिखा जाएगा, ठीक है। अगर लोड आया, ठीक है,
तो फिर इनेबल होगा, लेकिन उस वक्त क्योंकि डिक्रीमेंट नहीं आया होगा तो ये इनिशियल वैल्यू वाली सेट लोड हो जाएगी। अगर डिक्रीमेंट आया तो फिर भी इनेबल होगा, लेकिन क्योंकि डिक्रीमेंट आया हुआ है तो ये वाली साइड लोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा काम दोनों चलना शुरू हो गया कि जब शुरू में लोड आया तो आपने ये लिखवा दिया, जब डिक्रीमेंट आया तो डिक्रीमेंट होता है। एक प्रॉब्लम कैसा है कि लोड और डिक्रीमेंट इकट्ठे आ जाए, सो लोड और डिक्रीमेंट इकट्ठे आ गया तो तब इनेबल तो होगा, लेकिन हम इनमें से तो कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने बाय डिफॉल्ट क्योंकि डिक्रीमेंट रखा हुआ है तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आप अगर डिक्रीमेंटर बना रहे हैं तो आप ये चीज कह सकते हैं जिसको ये अपना सर्किट दे रहे हो कि भाई आपने इनिशियली वैल्यू लोड करनी है, उसके बाद डिक्रीमेंट करना है, दोनों इकट्ठे करने की कोई सेंस नहीं है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि दोनों इकट्ठे करने पर कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक, लेकिन आप उसको बता सकते हैं कि भाई अगर आपने दोनों इकट्ठे दे दिया तो हम लोड को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली अगर मैं इसको लोड से टाई कर देता डिक्रीमेंट के बजाय तो फिर इसने दूसरी तरह चलना था, यानी कि अगर दोनों इकट्ठे आ जाते तो लोड हो जाता बजाय डिक्रीमेंट होने के। ठीक है, तो आप जिस तरह चाहें बना लें उसको, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दूसरे बंदे जो यूजर है उसको बता दें कि यार जो सर्किट है उसमें कोई ऐसी सेंस तो नहीं बनती थी कि आप लोड और डिक्रीमेंट इकट्ठा करें, बट इफ यू वॉन्ट टू डू इट तो मेरा सर्किट इस तरह काम करता है। ठीक है, अगर ये किया हुआ तो आपने अगर दोनों किया तो आई विल अज्यूम कि आपने गलती से लोड कर दिया तो मैं डिक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, अगर आप इसको दूसरी तरह टाई कर देते यानी डिक्रीमेंट के बजाय लोड से इस सेलेक्ट लाइन को टाई कर देते तब आप उसको कह सकते थे कि भाई वैसे तो दोनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर आपने दोनों इकट्ठे दे दिए तो आई विल अज्यूम कि आप दोबारा लोड करना चाह रहे हैं और मैं डिक्रीमेंट को इग्नोर कर दूंगा उस केस में। ठीक, तो वह दोनों तरीके से बन सकते। ये हमारा छोटा सा एक सर्किट है, बेसिकली अगर देखा जाए सर्किट डिजाइन वाइज एक बिल्कुल छोटी सी चीज थी, लेकिन क्योंकि आप लोग पहली दफा वो हार्डवेयर डिजाइन फ्रेम ऑफ माइंड में आ रहे हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा इस तक पहुंचने का, लेकिन ये एक छोटा सा सर्किट आपके बहुत सारे काम जिंदगी में सॉल्व कर देंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे फाइफो की एग्जाम्पल करेंगे और